नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आज इस खास वीडियो में आप सभी को सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा, इन तीनों से जुड़े कुछ ऐसे विवादों को सामने लेकर आई हूं, जिसे जानने के बाद आप जान पाएंगे गंगा बहने और सरस्वती बहने का एक असल कारण, आखिरकार कौन सा ऐसा श्राप मिला था माँ गंगा और माँ लक्ष्मी को और माँ सरस्वती को कि वो लोग धरती पर आ गए थे। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के आज मैं आपको इस वीडियो में आपके बीच इस सरस्वती और देवी गंगा के बीच हुए एक विवाद के बारे में बताती हूँ। दोस्तों इस कथा का विवरण कुछ पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की तीन पत्नियाँ यानी कि माता लक्ष्मी, माता गंगा और माता सरस्वती थी। तीनों सदा ही नारायण को प्रसन्न रखने का प्रयास करती थी ताकि उनका विशेष प्रेम उन्हें हमेशा प्राप्त हो सके। एक बार देवी गंगा के प्रति श्री हरि का अधिक प्रेम देखकर देवी लक्ष्मी और माँ सरस्वती को ईर्ष्या जलन होने लगी। इस पर लक्ष्मी जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सरस्वती जी ने इस पक्षपात के लिए भगवान विष्णु को खूब खरी कोटी सुनाई। लक्ष्मी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन क्रोध के कारण वे उसी प्रकार नारायण को उपलब्ध देती रही। साथ ही उन्होंने देवी गंगा को भी दुर्वचन कहे। इस कलह से तंग आकर भगवान विष्णु कुछ समय के लिए बैकुंठ से बाहर चले गए। नारायण को इस प्रकार बाहर जाते देखकर सरस्वती जी को बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन इसका कारण भी उन्होंने देवी गंगा को ही समझा। उसी के क्रोध में वे गंगा पर प्रहार करने को उद्यत हुई। ये अनर्थ देख माता लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वे उन दोनों के बीच में आ गईं। उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास भी किया। इससे देवी गंगा तो शांत हो गई, किंतु सरस्वती का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। इस प्रकार बीच में आने के कारण उन्होंने गुस्से में आकर लक्ष्मी को वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। सरस्वती के श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी तुरंत तुलसी के पौधे में बदल गई। निर्दोष लक्ष्मी को इस प्रकार श्राप का भाजन बनते देख अब गंगा को भी ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने माँ सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। इससे दुखी सरस्वती ने भी गंगा को नदी बनने और मानवों की अस्थियां ढोने का श्राप दे दिया। जब भगवान विष्णु वापस आए तो उन्हें सरस्वती और गंगा के श्राप का पता चला। साथ ही लक्ष्मी को पौधे में बदला देख उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। देवी लक्ष्मी के शांत स्वभाव और सूझबूझ के कारण उन्होंने उन्हीं को अपनी पत्नी के रूप में अपने पास रखना उचित समझा। ये सोचकर कि ऐसी स्थिति दोबारा आ सकती है, उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। जब दोनों को ये बात पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। तब श्री हरि ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों के पापों की धोने के लिए अवतरित होंगी, साथ ही वे अंश रूप में उनके चरणों में परम पिता ब्रह्मा के कमंडल में एवं महादेव की जटाओं में भी रहेंगे। सरस्वती भी उनके साथ भूतल पर ही बहेंगी और साथ ही अंश रूप में उनके साथ रहेंगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करेंगी। साथ ही उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप का भी परिग्रहण किया। कहा जाता है कि तब से ही माँ गंगा और सरस्वती एक दूसरे के श्राप के कारण पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही हैं। देवी सरस्वती का श्राप समाप्त हो चुका है, इसी कारण वे वापस अपने लोक लौट चुकी हैं और देवी गंगा भी कलयुग के अंत तक अपना श्राप पूरा कर पूरे रूप से लुप्त हो जाएंगी। किंतु आज भी प्रयाग में गंगा और सरस्वती के संगम को देखा जा सकता है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी एक खास वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने आपको माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा के बीच की लड़ाई और इनके बीच के इस अहम विवाद को साझा किया है, जिससे कि आपको कई सारी रोचक जानकारियाँ भी मिली होंगी कि आखिरकार धरती पर गंगा और सरस्वती का बहना किस वजह से मुमकिन हो पाया। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी हमारी इस वीडियो में कही हुई बताई हुई सारी बातें। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।